मस्तिष्क और रीढ़ की परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक बड़ा नाम डॉक्टर सचिन तोमर, मस्तिष्क व रीढ़ के विशेषज्ञ व सर्जन। फिनिक्स स्पाइन एवं न्यूरो सर्जरी सेंटर मेट्रो प्लाजा के निकट मेरठ मॉल में स्थित, दिल्ली रोड मेरठ। 7 साल में 3 बच्चे भी हो गए, लेकिन आरोप है कि दहेज की मांग लगातार जारी रही। मांग पूरी न होने पर बच्चों समेत महिला को घर से निकाल दिया गया। रिश्तेदारों का दबाव पड़ा तो पंचायत बैठी, लेकिन भरी पंचायत में पति ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोलकर उससे छुटकारा पा लिया। पुलिस में शिकायत की गई, लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई। इस पर शुक्रवार बच्चों व परिजनों संघ महिला SSP कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। कानूनी रूप से 3 तलाक का अब कोई वजूद नहीं रह गया, लेकिन अभी भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, जहां मुस्लिम पुरुष अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देते हुए 3 तलाक धड़ल्ले से दे रहे हैं। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं FirstBite.tv। यूपी के मेरठ में ताजा तरीन मामला यह सामने आया है। कस्बा लागवाड़ थाना इचौली निवासी युवती की शावेज संग 28 फरवरी 2014 को मुस्लिम रीति रिवाज से शादी हुई थी। शावेज तेली वाली मस्जिद आशियाना कॉलोनी दिसाड़ी गेट का निवासी है। SSP कार्यालय पहुंची महिला ने मीडिया को यह जानकारी दी। 7 साल मेरी शादी को हो गए, जब भी मेरा अब्बू भेज देवे तो मारपीट करे थे वे, मेरा अब्बू जब भी भेज देवे तो उनको कोई बात नहीं। मेरे सास ससुर भी और क्या ना, मेरा घर वाला भी नंदे पहले पिटे थी हर क्या नाम नु कहते कुछ ना लाई कुछ ना लाई। जब मेरा अब्बू गरीब हैं तो कैसे देते, फिर गाड़ी का गाड़ी मांगे थे उनको हमारे, तुम और गाड़ी ला मैं तू ही ना लाई, तू हमारे लायक नहीं है। 30 तारीख में अब जब मंगल में फिर भी मेरा अब्बू ने भेज दी थी उनको, जाओ चले जाओ मेरे भैया के साथ, और फिर उन्होंने छोड़ दी। क्या कहा आप? 3 बार तलाक तलाक कह दिया उनको, मैं रखना नहीं चाहता तुझे। कब की आपको तलाक? आपके मंगल में ही गए वहाँ से, कोई सुनवाई कर ही नहीं रहा कोई भी। SSP कार्यालय पे आएंगे क्या आश्वासन मिला आपको? हैं या SSP कार्यालय आएंगे क्या आश्वासन मिला है? यहाँ गए थाने में चली जाओ, उनको ऐसा यकीन ही नहीं आ रहा इन्होंने मैं बोल दी जब भी, यकीन ही नहीं आ रहा, कह रहे थाने में जाओ लोग वहाँ से उन्हें भी बुलाएंगे तुम्हें। इस बारे में पुलिस क्षेत्राधिकारी कोतवाली अरविंद चौरसिया ने FirstBite को यह जानकारी दी। आपके द्वारा सूचना मिली ये कि एक घर में जो है हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट के कारण आपस में दोनों पक्ष बैठकर समझौता करा रहे थे, उसी बीच में समझौता ना हो पाने के कारण लड़के ने तलाक दे दिया अवैध तरीके से लड़की को, जिस पर इस सूचना पर लड़की की तहरीर पर जैसे ही मिलेगी तुरंत कार्रवाई करेंगे और इसमें जो विधिक वैधानिक तरीका है उसको अपनाते हुए इसका निस्तारण कराया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए FirstBite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार।